दोस्तों क्या आप भी एक लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लैपटॉप से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो लैपटॉप लेने के बाद में आपको पछताना ना पड़े। और आपके मन में जो सारे सवाल चल रहे होंगे कि लैपटॉप कौन सा ले, प्रोसेसर कौन सा ले, कितना जीबी रैम होना चाहिए और कितना जीबी स्टोरेज होना चाहिए और कितना इंच का स्क्रीन साइज होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखकर थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। सो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू, स्वागत करता हूँ राजू न्यू टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। फ्रेंड्स आपने हमारी पिछली वीडियो आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करने नहीं देखे होंगे, तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने मेन टॉपिक की, लैपटॉप कौन सा ले। तो पहले आपको कंपनी बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप कौन सा कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तीन कंपनी का नाम बताऊंगा, डेल, एचपी और एसर। फ्रेंड्स ये जो लैपटॉप का कंपनी का नाम बताया, इसमें से आपको आपके बजट में आ जाएगा और आप इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरा नंबर आता है कि आप रैम कितना जीबी लेना चाहते हैं और स्टोरेज कितना जीबी लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जो रैम होता है आपको लैपटॉप के परफॉर्मेंस के लिए होता है, आप काम करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आप कम से कम 4GB का रैम लीजिए, क्योंकि 4GB से कम होता है तो आपका लैपटॉप बहुत स्लो चलने लगता है, और 4GB रहता है या 8GB रहता है तो अच्छा लैपटॉप चलता है। और फ्रेंड्स बात आती है कि स्टोरेज की, तो फ्रेंड्स 500 आता है, 1TB आता है। तो फ्रेंड्स स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 500 का लीजिए या 1TB का लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप अलग से भी स्टोरेज लगा सकते हैं। और दूसरा बात आता है फ्रेंड्स आप कितना इंच का कितना साइज होना चाहिए आपका स्क्रीन का। तो फ्रेंड्स अगर आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप को आप कहीं दूसरे जगह लेके जाना चाहते हैं फिर आना चाहते हैं, तो आप 14.6 इंच का लीजिए। अगर आप रूम पे रहना चाहते हैं, अपने घर पे रहना चाहते हैं, घर पे यूज करना चाहते हैं, तो आप 15.6 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी थोड़ा बड़ा स्क्रीन आता है। तो फिर ये रही बात हमारी, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में कौन सा ब्रांड लें। तो फ्रेंड्स ब्रांड आप इसका प्रोसेसर का ब्रांड कौन सा लें, तो फ्रेंड्स आप इंटेल का ब्रांड लीजिए, i3 i5 ऐसे करके लीजिए। और फ्रेंड्स कुल मिलाकर बात ये आती है कि आप जो बताया मैं ये एक लैपटॉप में होना चाहिए, तो आपका लैपटॉप एक बेस्ट होगा और आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल लैपटॉप हो जाएगा और अपना काम कर सकते हैं उस पर। तो फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।